नहीं माँ, मैं खा लूंगी, अब मैं बच्ची नहीं रही। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, लेकिन बेटा मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची रहोगी ना। मुंह खोलो। ओह माँ, रहने दो। बेटा आज मेरे हाथ से खा ले, कल तुम कहीं और मैं कहीं और। मुंह खोलो। अरे नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोना बेटा, रो मत इंदु बेटा। माँ बाप का घर हर लड़की के लिए रैन बसेरा होता है बेटा। बेटा मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर से बिल्कुल बिल्कुल हंसते खेलते बिता हो। मेरे जाने के बाद तुम्हें दुख नहीं होगा? किस माँ को दुख नहीं होगा बेटा? पता है बेटा, तुम तो अपने ससुराल चली जाओगी और हम लोगों के पास सिर्फ सिर्फ तुम्हारी यादें रह जाएंगी। हम तो इंदु दीदी के घर जा सकते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, अवश्य जा सकते हैं, हम जा सकते हैं और इंदु भी आती जाती रहेगी। बेटा विवाह के बाद कोई अपनों को भूल तो नहीं जाता है, है ना? अरे तुम भी तो खाना खाओ, आओ आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। मनु को समझाना मेरे बस की बात नहीं थी, बताया आपको किस तरह मुझसे लिपट कर बोली। बाबा मैं आपको नरक में नहीं जाने दूंगी। तभी मैं समझ गया मनु में इतना बड़ा परिवर्तन केवल आपके समझाने से हुआ है। हाँ मोरूपन, थोड़ा आश्चर्य तो हमें भी हुआ, पर चलो भगवान का शुक्र है कि दोनों ने हमारी बात रख ली। अरे इंदु बेटा आ इधर आ। देखना मुरुपन, हमारी इंदु अपने ससुराल में राज करेगी राज। हाँ हाँ, कानपुर का सबसे प्रसिद्ध घराना है शामराव का, जमीन जायदाद नौकर चाकर। पर हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते। एक ही दिन में सब कुछ जान जाओगी। एक दिन में? हाँ बिल्कुल हमारी तरह, जब हम इस घर में आए थे तब हम भी किसी को नहीं जानते थे, परंतु हमें तो यहाँ रहना था ना, इसलिए हमने नए रिश्ते बनाए और अभी तक उसे हंसी खुशी निभा रहे हैं। तो क्या यहाँ आने के बाद आपको अपनी माँ की याद नहीं आई? माता पिता की याद किस बेटी को नहीं आती, लेकिन हमारे भाग्य अच्छे हैं, वैनी साहब के होते हुए हमें हमारी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। जाओ भाई, तुम्हारी इसी बात पे तो हम गर्व करते हैं। हमारे बाजीराव के लिए तुम्हें पसंद करने में सब जानते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। हाँ, और इसका प्रत्यक्ष साक्षी ये सेवक है। वैनी साहब, ये सारा हंसता खेलता परिवार आपकी छत्रछाया में तो फला फूला है। बस बस मुरूपन, हमें धरती पर ही रहने दो।
और तुम मन्नु के बारे में सोचो। हम तो कहते हैं कि यही कोई अच्छा सवर ढूंढ लो इसके लिए। मेरी बेटी है सर। तू कौन हो? रिमन सरकार का सेवक हूँ। आइए पधारिए। योर मैजेस्टी, मेरा हेनिका टोटल टैक्स इज 41 रुपीस 12 आना एंड 3 बाइस। योर मैजेस्टी, सुन लिया हमने। और आप जिस बदतमीज से यहां बैठे वो भी हम देख रहे हैं। के मिंसन साहब को लेकर कानपुर के मोरलैंड तक हमारे दरबार में हमारी इज्जत के बगैर कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता। I'm sorry, Your Majesty. उपन, इनका टैक्स इन्हें दे दो और 10 रुपए और इनकी हथेली पर रख दो। I am extremely sorry, Your Majesty. मेरा कोरा कहाँ है? लीजिए लीजिए आपका टैक्स।
ये आपके लिए। जानवर को काबू में करने के लिए इंसान बनना पड़ता है गोरे साहब। देखा जाओ भाई, इस मन्नू की बच्ची की वजह से आज फिर कोई समस्या खड़ी। अरे नहीं नहीं वली साहब, हमारी मन्नू ने तो उस गोरे लाट को अचंभे में डाल दिया। आपने देखा नहीं उस घोड़े पर चाबुक कैसे बरसा रहा था? हमारी मन्नू ने तो घोड़े को ऐसे काबू में किया कि वो जाते जाते अपना चाबुक तक छोड़ गया। अरे साहू भाई, तुम इन गोरों को नहीं जानती, ये दिखाते कुछ है और होते कुछ है, देख लेना। मन्नू इधर आ, इधर आ। क्या कहा तूने उस गोरे से? जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आपने ठीक नहीं किया अजोबा। क्या कह रही है मन सरकार? क्यों दिए उसे पैसे? किस बात का टैक्स? जमीन हमारी, देश हमारा है तो हमारा, लेकिन हमारी आपस की कूट और भेदभाव ने इस देश को अब हमारा रहने नहीं दिया। सब कुछ यही है। क्यों आजबा, क्या हम हिंदुस्तानी एकजुट नहीं हो सकते? क्यों नहीं, अवश्य हो। अगर हर हिंदुस्तानी तेरी तरह सोचने लगेगा इस पूरे देश पर एक ही परचम लहराएगा। हिंदुस्तान का परचम। बस बहुत हो गया मिस्टर फ्रेजर, अब हमें आभास हो रहा है कि आप केवल हमें बहला रहे हैं। नो 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 योर हाइनेस, हम इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। आपको तो मालूम है झांसी के कितने दावेदार हैं। वो क्या नाम है उसका? लचुसन। मिस्टर अलीबादू सर। ये अलीबादू जान के भाई। एंड वन मोर, द डेंजर लेडी सकुबाई। सब हमारे पीछे पड़े थे लेकिन झांसी का किंग आपको बनाया। बस नाम के राजा हैं हम, हाथ पैर बांध दिए हैं, ना कोई आदेश दे सकता है ना कोई निर्णय ले सकता है। सब अधिकार तो आपके पास है। और जाने वो दिन कब आएगा जब हम ट्रीटी साइन करेंगे और पूरे अधिकार हमें मिल जाएंगे। प्लीज बी पेशेंट योर हाइनेस, झांसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इश्यू है। कंपनी जब किसी स्टेट को एनेक्स करती है उसके सारे पावर हमारे पास रहते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। अवध के रेजिडेंट ऑनरेबल स्लीमन स्पेशली इसी काम के लिए लखनऊ से आ रहे हैं। उनके आने के बाद ट्रीटी साइन हो जाएगी। ठीक है मिस्टर फ्रेजर, हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें विवश होकर मिस्टर स्कॉट विलियम से बात करनी पड़ेगी। यकीन कीजिए ऐसा मौका नहीं आएगा। वेल सर, आज ये बहुत गुस्से में था। आई डोंट केयर, योर पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ झांसी, क्या तुम इस पपेट को नहीं संभाल सकते? यस यस, क्या इसकी कोई कमजोरी है? म्यूजिक, डांसिंग, ड्रामा, women.
मोती भाई है। इस मोती को तो हमारी माला में होना चाहिए।